आज के न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, फोन पे लॉगिन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन टू प्रोसीड, अनेबल टू प्रोसीड यहाँ पे दिख रहा है। फोन पे में लॉगिन, यहाँ पे फोन पे लॉगिन नहीं हो रहा है। क्या आपका भी यही प्रॉब्लम शो हो रहा है? तो आप भी करना चाहते हैं फोन पे को लॉगिन करना चाहते हैं तो नहीं लॉगिन हो रहा है, तो आप इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मैं इस वीडियो में सारा डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारे वीडियो देख करके आप लुक उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरह से आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन शो होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फोन पे एप्लीकेशन में जो लॉगिन प्रॉब्लम शो हो रहा है उसको फिक्स आउट कैसे करना है, तो चलिए मैं इस पर फोन पे को ओपन कर लिया हूँ। फोन पे को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तभी आपको ये फीचर काम करेगा, अन्यथा फीचर काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंटर कर लेना, तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंड एसएमएस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेंड एसएमएस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको आपको सेंड पे क्लिक करना है। उसके बाद देख यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको किस सिम से लॉगिन करना है, 1 2 1 में है या 2 में है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, मेरा 2 में है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सेंड एसएमएस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस तरह का ऑप्शन अनेबल टू प्रोसीड। तो आपका इस सिम कार्ड में रिचार्ज होना चाहिए, जैसे कि आपका नंबर में रिचार्ज होना चाहिए तब आपका लॉगिन होगा। अगर तब तो पर भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे जैसे देख सकते हैं टू लॉगिन योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारा डिटेल दिया गया। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको चेंज नंबर पे आपको क्लिक करना है। नंबर चेंज कर सकते हैं यहाँ से चेंज नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे आपको नहीं लॉगिन हो रहा है तो आपको क्या करना है, कस्टमर केयर से बात कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। उसके बाद गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है फोन पे कस्टमर केयर। फोन पे कस्टमर केयर नंबर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे कस्टमर केयर का नंबर आ चुका है, यहाँ पे फोन पे कस्टमर केयर का नंबर आ चुका है, तो इस पे आपको कॉल करना है। यहाँ पे आपको कॉल करना है, कॉल करके आपको बात कर लेना है, क्या लॉगिन प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना है कि मेरा फोन पे लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने कॉल के द्वारा बात करके आप यहां से आप बात करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फोन पे लॉगिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।